पहले पेशाब पिलाया, फिर जूतों की माला पहनाई और फिर दलित युवक के साथ मनुवादियों ने दिखाई क्रूरता। राजस्थान के सिरोही जिले में एक दलित इलेक्ट्रीशियन को लाइट फिटिंग के काम का भुगतान मांगने पर जमकर पीटा गया। दबंगों ने उसे पेशाब पिला, जूतों की माला पहना दी। इस दौरान एक आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। पूरा मामला बता दें कि एसपी ने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ जो मारपीट की गई थी, उसका वीडियो की घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते एससी एसटी सेल के डीएसपी दिनेश कुमार और कोतवाली थाने के सीआई राजेंद्र सिंह राज पुरोहित ने कार्रवाई करते हुए सिरोही नेहरू नगर निवासी प्रवीण सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह चौहान और मांडवा निवासी मूलाराम पुत्र कस्तूरर भाट को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि मांडवा निवासी एक व्यक्ति गांव के रजवाड़ा ढाबे पर लाइट फिटिंग कार्य के रुपये लेने के लिए गया था। वहां मनुवादी परिवर्ती किस्म का प्रवीण सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह सोडा और मूलाराम भाट ने उसके साथ लात घूसों के साथ मारपीट की, एक जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, पैसा पिलाया और चप्पल की माला पहना दी। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया था। इस मामले की जांच एससी एसटी सेल के डीएसपी दिनेश कुमार कर रहे हैं। यह घटना कोई पहली नहीं है, देश के कोने कोने से ऐसी वारदात सामने आती रही है। कहीं दलित को जूते में पेशाब कर पिलाया गया तो कहीं जूतों की माला ही पहनाकर उसकी रैली निकाली गई, मुंह पर कालिक पोती गई तो कहीं उसको चाकू छुरो से मारा गया, कहीं दलित के साथ पेचकस से वारदात की गई। यह कोई पहली खबर नहीं है, देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आती रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा जहां दलित अपने हक के लिए हर रोज मरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।